नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों अभी हम जम्मू कश्मीर पे आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर बस स्टॉप से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर अमृतसर वालों की धर्मशाला स्थापित है। वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो पहला दिन आपको फ्री है और अगले दिन से 700 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो आइए हम अपने वीडियो पर चलते हैं। अमृतसर वालों की धर्मशाला पे एक दिन विश्राम करने के बाद अगले शाम को 5 बजे के करीब हम माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। कहा जाता है कि मंदिर में दर्शन के लिए जाया नहीं जाता, माता रानी वैष्णो देवी खुद बुलाया करती है। तो जो कोई माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाता है, माता रानी उसके हर मुराद हर मनोकामना को पूर्ण कर देती है। माता वैष्णो देवी की यात्रा विश्व में सबसे पवित्र यात्रा मानी गई है। अगर आपको भी माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन का बुलावा आया है तो आप प्लान कर रहे हो या फिर आप जाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा चीज़ यहाँ पे कवर की हुई है और आपको प्लान करने में सुविधा होगी। ये हम घर से निकल पड़े हैं ट्रेन के लिए। ट्रेन हमारी जो है देहरादून से हरिद्वार के लिए है। 1 घंटे 42 मिनट का सफ़र है। हरिद्वार से कटरा तक का सफ़र 11 घंटे 6 मिनट का है, जो कि 609 किलोमीटर की दूरी है। और हम अगर कटरा पहुंच जाते हैं तो 1.5 किलोमीटर की और सफ़र करना होता है, जो कि हमें बस से करना होता है। माता रानी वैष्णो देवी जाने से पहले यहाँ पे एक पर्ची कटाई जाती है। ये एक फ्रेशिंग पॉइंट है, यही एक मुख्य द्वार है जो कि माता वैष्णो देवी के लिए यहाँ से यात्रा आरंभ होती है। पर्ची कटाने के लिए आपको एक पहचान पत्र की आवश्यकता होती है और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे एंट्री आपकी नहीं हो पाएगी। आप अवश्य ही अपना पहचान पत्र लेके जाइए। आप को पर्ची कटाने के लिए इसकी बैक साइड जो है आपको 100 मीटर की दूरी पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपकी पर्ची स्लिप कटाने के लिए लाइन लगी होगी, वहीं पे जाके आपको पर्ची कटवानी है। पर्ची कुछ इस तरह की होगी। अगर आप डिफेंस है, आर्मी से है, नेवी से है, तो आर्मी गेट की स्लिप आपको दे दी जाती है। यहाँ आर्मी गेट का मतलब यह है कि आर्मी गेट में आपकी लाइनें जो है कम होगी और अन्यथा पब्लिक लाइन पे जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। पब्लिक लाइन पे काफ़ी लंबी लाइन होने के कारण जो है आप गेट में एंट्री देर से कर पाते हो और आर्मी गेट से इजीली जल्दी एंट्री अंदर हो जाती है। तो यह है आर्मी गेट पास। तो देखिए काफ़ी लंबी लाइनें हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। 365 दिन ही यहाँ पे इतनी भीड़ दिखाई देती है आपको साल भर में। तो देखिए ये जो रास्ता है, यही एक रास्ता है जहाँ से आप माता वैष्णो देवी भवन जा पाते हैं। यहीं तक ही ऑटो टैक्सी चलती है, इससे आगे आपको यात्रा पैदल ही करनी होती है। जी हाँ, आप अगर बुज़ुर्ग हैं तो आपके लिए यहाँ पे डोलियों की सुविधा भी उपलब्ध है और घोड़ों की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप घोड़े लेते हैं या डोलियाँ लेते हैं तो 2 बार बदलनी होती है। 6-6 किलोमीटर तक का रास्ता ये सफ़र तय करती है। 6 किलोमीटर बाद दूसरी घोड़ी बदलनी होती है या डोली बदलनी होती है। तो यहाँ पे आपको ना ऑटो कार मिलेगा ना कुछ मिलेगा, बस यहीं तक जर्नी आपको अंदर घोड़े और डोलियों के सहारे या पैदल आप कर पाते हैं। ये माता वैष्णो देवी का भवन है, आप जो अभी आपने देखा। यहाँ देखिए ये जो रास्ता है, यही रास्ता है जो माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाती है। लाखों श्रद्धालु जयकारा के नारे लगाते हुए यहाँ से एंट्री करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जयकारा के नारे लगाते हुए आप जाते हो तो आपके हर दुख हर दर्द दूर हो जाती है और माता वैष्णो देवी आपकी हर मुराद को पूर्ण करती हैं। ये हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी मंदिर। ये है मेन रास्ता जहाँ से हमने पास दिखाई और पास के बाद हम जो है अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, यहाँ बारिश का मौसम है थोड़ा।
मौसम सुहाना बन रहा है। हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो बड़ा खुश है और इसे 2 साल की भी नहीं हुई है और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है बेना जी की वजह से। देखिए हम एंट्री कर रहे हैं, ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होने के बाद आपकी यात्रा जो है आरंभ मानी जाती है और 12 किलोमीटर तक आपको सफ़र तय करना है। यहाँ से आप ये देख रहे हो ऊपर टीन सेट, 75% रास्तों तक ये टीन सेट आपको दिखाई देंगे, भारी गर्मी हो, बरसात हो या फिर सर्दी हो, तो ये टीन सेट यात्रियों के सुविधा के लिए है, यात्रीगण को कोई असुविधा ना हो इसलिए ये टीन सेट लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों में काफ़ी मोटी मोटी बर्फ़ की परतें जम जाती है और यात्रियों को कोई सुविधा ना हो इसलिए ये टीन सेट लगाई गई है। अमायरा को प्यास लगी थी, वो फ्रूटी पीते हुए थम्स अप दिखा रही है कि बहुत टेस्टी है। देखिए जगह जगह पर दुकानें हैं, घोड़े खड़े हैं, अगर आप घोड़े लेकर जाना चाहते हो तो यहाँ पे 2 घोड़े बदलने पड़ते हैं। यहाँ पे डोलियों की भी सुविधा है, आप डोलियों में या घोड़ों में जा सकते हो, बाकी आपके अंदर शक्ति है, भगवान का नाम लेके आप ऐसे भी जा सकते हो पैदल पैदल यात्रा करते हुए। अंकल जी ने 6 किलोमीटर दूरी तक जाने के लिए एक घोड़ा हायर कर लिया है, जो कि घोड़ा 6 किलोमीटर तक अंकल जी को छोड़ेगा, उसके बाद 6 किलोमीटर की दूरी फिर से तय करनी होगी। लेकिन यहाँ रास्ते पे बारिश हो चुकी है और हम पीछे पीछे हैं, अंकल जी घोड़े पे निकल गए हैं। देखिए ये फ़ोटो स्टूडियो के अंदर हम ठहर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी कश्मीर की प्राकृतिक नज़ारा यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि फ़ोटो स्टूडियो के माध्यम से अगर कोई फ़ोटो क्लिक करवाना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करवा सकता है, जो कि जम्मू को एक कश्मीर जन्नत माना जाता है, जम्मू कश्मीर को जन्नत माना जाता है। उस जन्नत की कुछ अच्छी अच्छी झलकियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। देखिए भारी वर्षा हुई है तो यहाँ पे ऊपर से बहते हुए पानी आ रहा है, लेकिन टीन सेट होने के कारण यात्री लोग भीगे तो नहीं है, लेकिन हाँ पैरों में ज़रूर ऊपर से पानी आ रहा है, क्योंकि वो जैसे स्लाइड होता है पानी वैसे स्लाइड होके नीचे से जा रहा है। तो हम बस रुके हुए हैं, आगे चलने की तैयारी में, बस हम देख रहे हैं कि माहौल अच्छा हो जाए और हम यहाँ से निकलें। तो आप जब भी आइएगा तो गूगल में एक बार वेदर रिपोर्ट चेक करके ही आइएगा, क्योंकि यहाँ पे गूगल बाबा भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, यहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो जाते हैं। माता वैष्णो देवी की मूर्ति के सामने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाते हैं लोग, क्योंकि माता वैष्णो देवी के भवन पे फ़ोटो क्लिक करवाना या फिर कोई कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फ़ोटो स्टूडियो वालों ने जो माता वैष्णो देवी के भवन में जो दृश्य है वही दृश्य बाहर इन्होंने बनाया हुआ है, उस पर लोग अपने अपने फ़ोटो क्लिक करवा के यादगार के लिए घर ले जाते हैं और अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए हमने यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी है, भारी बारिश में भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। काम स्टार्ट होगा तू पैसा ज़्यादा लिख के दिखा दे और घोड़े को तेज भगा के दिखा दे। ये पीछे जो बैठे हुए उनके हस्बैंड है और आगे जो थी उनकी वाइफ थी, उनके वाइफ के घोड़े को तेज भगाने की वजह से जो कि वो उनकी वाइफ गिर गई और तब ये गुस्साते हुए इन्होंने ये शब्द कहा इस घुड़सवार को। ये माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद नीचे लौट रहे थे, इस टाइम इनके ये एक्सीडेंट हो गया। तो ये घुड़सवार जो है अपने पैसे बनाने के चक्कर में एक राइड कंप्लीट करके दूसरे राइड के चक्कर में लग जाते, इसलिए ये जल्दी जल्दी राइड करवाते हैं और इस चक्कर में ही घोड़ा गिर जाता है और उसमें बैठे हुए सवारी को भी चोट लग जाती है।
जी दोस्तों, अगर आप राइट ले रहे हो तो पहले ही घुड़सवार को कह दे कि ज़्यादा ज़ोर से ना चलाए, अगर ज़ोर से चलाएगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा, पहले ही ये कह दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। छः किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अर्धकुमारी मंदिर पहुंच चुके हैं। अर्धकुमारी मंदिर का अर्थ यह है कि हम आधा जर्नी पार कर चुके हैं और आधा जर्नी रह गया है। यहां पे दर्शन के बाद हम गए होटल पे, लेकिन होटल में रूम्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वहां पे ऑनलाइन ही बुकिंग चलती है, ऑनलाइन पहले ही करवानी होती है जो कि नहीं मिल पाती है। काफ़ी लोग आते हैं इसलिए वहाँ पर कभी खाली नहीं होती है, पहले ही बुकिंग करवा के आनी होती है। तो इस कारण हम यहाँ पे दो आश्रम में, उन्हीं आश्रम में से एक आश्रम में हम यहाँ पे रुक गए थोड़ी देर के लिए। हमने आधे घंटे ऑलमोस्ट वहाँ पे रुके और उसके बाद हमने जर्नी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ था इसलिए हम यहाँ पे रुके। ये आपको जो दर्शन दिखा रहे हैं ये अर्धकुमारी मंदिर के हैं, ये अर्धकुमारी मंदिर है जो कि आधा जर्नी हमने पार कर दिए हैं और आधा जर्नी रह गया है, इसका ये अर्थ है। तो देखिए काफ़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी इसलिए लोग ऑलमोस्ट अंदर आ गए। यहाँ पे निशुल्क सेवा है, अगर आपको कंबल लेनी होती है तो पर हेड के हिसाब से 120 रुपये की स्लिप कटती है और आप जाते हुए उस कंबल को वापस कर देते हो तो आपको 120 रुपये वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे बारिश रुक चुकी है और हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ पे सात्विक को घोड़े की राइड करना था इसीलिए दीदी के साथ सात्विक भी घोड़े के ऊपर बैठ गया है और वो घोड़े के राइड ले रहे हैं क्योंकि आगे 6 किलोमीटर की दूरी और रह गई है। उसी दूरी को फिल करने के लिए यहाँ पे घुड़सवार खड़े होते हैं और वो यात्रियों को सुविधा पहुँचाते हैं, अपनी सर्विस देते हैं। तो दीदी और सात्विक निकल गए हैं और हम पीछे आ रहे हैं। 6:10 हो चुके हैं सुबह का और 6:10 जो है हम यहीं से इसी रास्ते से माता वैष्णो देवी के ओर बढ़ रहे हैं। यात्रीगण जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे हैं, सुबह का वक्त है। देखिए इस तरीके से लोग यहाँ से जा रहे हैं। घोड़ों की जो लास्ट स्टॉप था माता वैष्णो देवी के भवन के जाने का मार्ग, जो कि लास्ट स्टॉप घोड़ों का जहाँ पे था वहाँ पे उन्होंने स्टॉप कर आगे की जर्नी के लिए हमें बताया और हम आगे की जर्नी के लिए पैदल ही पैदल निकल पड़े। We'll be right back.
भैरव घाटी मार्ग 2.600 किलोमीटर। भवन का रास्ता 3 किलोमीटर। माता के दर्शन के लिए कुछ किलोमीटर ही रह गए हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। लोग यहाँ से माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए, हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। नज़ारा कितने अच्छे हैं यहाँ का। हमारा को प्यास लगी थी तो हम यहाँ पे रुक गए। देखिए, यहाँ पे व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए अच्छी जगह है, जो कि देखिए यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। ये यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई है, अगर आप बैठना चाहे तो यहाँ पे बैठ सकते हो। देखिए, सुबह का मौसम है, कोहरा काफ़ी छाया हुआ है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए लोग यहाँ पे मफलर टोपियाँ लगा के आए हुए हैं और अपने साथ लेके आए हुए हैं। काफ़ी कोहरे हो रहा है, सुबह का टाइम है और बादल छा रखा है, बारिश भी हुई थी और यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है, जो कि धीमे धीमे बारिश हो ही रही है, जो कि रुकने का नाम नहीं है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक देखिए सब कोहरा कोहरा ही नज़र आ रहा है। लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं क्योंकि यह एक अच्छा सा व्यू पॉइंट यहाँ से आ रहा है। ये माता वैष्णो देवी के जाने के लिए रास्ता मार्ग है, जो कि देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई कहीं से गिरने चोटपटाक लगने की कोई संभावना नहीं है। हम जो है लगभग पहुंच ही चुके हैं, बस ये रास्ता कंप्लीट करने के बाद हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। हम अंदर फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए आपको दूर से ही ये वीडियो हम यहाँ से दिखा रहे हैं। माता वैष्णो देवी का भवन यही है, माता वैष्णो देवी का भवन, यहीं से आप माथा टेक के माता वैष्णो देवी का नमन कर सकते हैं। देखिए, हमने फ़ोटो भी क्लिक किया है, लेकिन ये बाहर से किया है, अंदर अलाउड नहीं है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े हैं भैरव जी के दर्शन के लिए। कहा जाता है माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव जी का दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा यात्रा अधूरी मानी जाती है। 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरवनाथ का भवन है। यहाँ से हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल कार की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ इसी जगह पर केवल कार की सुविधा उपलब्ध है। 3 किलोमीटर की दूरी तक भैरवनाथ भैरव भवन जाने के लिए और विष्णु माता रानी के दरबार में आने के लिए बस 3 किलोमीटर का रास्ता जो है केवल कार के थ्रू किया जा सकता है। तो यहाँ पे 120 रुपये की पर हेड के हिसाब से पर्ची स्लिप कटती हैं। अगर आप स्लिप ले लेते हो तो लाइन पर लग के अपने बारी का इंतज़ार करना होता है। जब आपकी बारी आती है, वन बाय वन करके आपको भेज दिया जाता है केवल कार के अंदर। तो देखिए, रास्ता काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे सिंगल लाइन है, जो कि पतली सी एरो के थ्रू यहाँ पे दर्शाया गया है कि आप इस जगह पे एरो के हिसाब से मुड़िए। ये ऊपर कितने अच्छे लग रहा है पर्वत, देखिए पहाड़ों के बीच में ये केवल कार बनाया गया है। यहाँ पे आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव भवन जाने के लिए सुविधा होती है और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो देखिए, लोग पैदल जाने से अच्छा यहाँ पे केवल कार का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि 120 रुपये की ही स्लिप है और यहाँ पे केवल कार के थ्रू माता
के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये रिटर्न जर्नी टिकट भी है, देखिए इस पर आपको रिटर्न भी करवाया जाता है 120 रुपये के टिकट लेने पर। चाहे तो आप वहीं से घर की ओर निकल सकते हो या फिर वापस इसी जगह पे आ सकते हो। आप को 3 घंटे के लिए वैलिड होती है ये पर्ची। तो देखिए इस तरीके से हम केवल कार पे जाएंगे। सात्विक एक्साइटेड है केवल कार में बैठने के लिए, वो पूछ रहे हैं कब आएगा केवल कार। तो बस ये देखिए केवल कार आ चुकी है और यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ली थी मैंने। 49 लोगों को एक बार में ट्रेवल करवाया जाता है। तो देखिए रिटर्न काफ़ी कम लोग आते हैं क्योंकि जाने के बाद भैरव भवन जाने के बाद वहीं से घर की ओर लौट जाते हैं। जिसके घर यहाँ पे है वो लोग वापस इसी केवल कार में आ सकते हैं, आ जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे वापस हाँ आने से अच्छा हमें वहीं से सर जी एक में कितना लोड होता है? 41। एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे लोग अपने सपनों का महल बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख के यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर आप एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखते हैं, मतलब कि जितने मंजिले आप घर बनाना चाहें यहाँ पे आप बना सकते हो। यहाँ पे आप बनाओगे तो हकीकत में भी आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो मानो तो विश्वास, ना मानो तो अंधविश्वास। तो इस तरीके से यहाँ पे लोगों ने अपना सपनों का महल बनाया है, जो कि चाहते हैं उनके हकीकत में भी ऐसे ही घर, इतने ही मंजिलें वहाँ पे
बन जाए। तो यहाँ पे रितिका भी ट्राई कर रही है, लेकिन रितिका जो ट्राई कर रही है, देखिए कैसे उसके ईंट हिल रहा है और गिर रहा है। यहाँ पे घर बनाने से पहले ही ईंट गिर चुका है और यहाँ पे ईंटें जर्जर हालत पे दिखाई दे रही है। देखिए इस तरीके से रितिका लगा रही है। तो मानो तो विश्वास, ना मानो तो अंधविश्वास, बस ये लोगों की श्रद्धा है। हो सके तो ये जो है रियल भी हो जाए, हकीकत में भी इनके सपने पूरे हो जाएं, जो कि माता विष्णु देवी के चमत्कारों से संभव है। हमने जहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी, उसी पॉइंट तक हम वापस पहुँच चुके हैं। हमारी जो जर्नी है सफल रहा और हम यहाँ पे, हमें भूख लग चुकी है और हम यहाँ पे लंच ऑर्डर किया है और हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना लंच। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, जिसके द्वारा आप जब भी प्लान करोगे तो आपको कुछ नॉलेज पे होगा कि हाँ भाई यहाँ जाना है, ये करना है और इस तरीके से हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हुई होगी तो आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबाइएगा। और बाय बाय।